मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्र आपके साथ, और बात करेंगे करंट अफेयर्स की. और हाँ, आरबीआई के गवर्नर जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है, हम उसकी बात भी करेंगे. क्या रीज़न थे, क्यों ये ऐसा हुआ? वैसे आप लोग समझदार तो हो चुके होंगे कि क्यों आरबीआई के गवर्नर ने इस्तीफ़ा दिया है. हम उसकी बात करेंगे, थोड़े लास्ट में बात करेंगे. तो लास्ट में अगर उसके लिए जानना है तो आपको रुके रहना होगा, ठीक है? तो आज है 11 दिसंबर, और हम 11 दिसंबर के करंट अफेयर्स की बात करने जा रहे हैं. क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, हम सारी बात करेंगे. स्टार्टिंग करेंगे मोटिवेशनल कोट के साथ, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आज एमसीक्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि परसों के एमसीक्यूज़ मैंने कल वाली क्लास में कवर कर दिए हैं. तो एक बार आप आज की डेटा पढ़ लेंगे तो कल से आपको एमसीक्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? और वैसे भी मंडे को हमारा रिवीजन क्लास होता है, तो रिवीजन क्लास में ज़रूर आपको आना चाहिए, बिकॉज रिवीजन क्लास में बड़े ही अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, नए क्वेश्चंस मिलते हैं, तो पूरे वीक का करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो जाता है. शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ, और बड़ा ही अच्छा कोटेशन है. इंस्टीट ऑफ लुकिंग एट 100 रीज़न टू क्विट, लुक एट 1000 रीज़न न� 100 रीज़न हो सकते हैं आपके क्विट करने से. एग्जाम का पैटर्न बहुत टफ है, आपको लग रहा है कि आप उस लायक नहीं हैं, आपको लग रहा है कि यार चलो ठीक है कोई प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, एज बीती जा रही है, घर से एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, वो रीज़न सबके साथ होते हैं. लेकिन उसके 1000 रीज़न सोचिए, जब आपकी जॉब लग जाएगी आप कहीं पर खड़े होकर बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर काम कर रहे थे. आप किसी से डर नहीं सकते, कभी आपके अंदर कॉम्प्लेक्स फीलिंग नहीं आएगी, आप अपने आप को अपनी फैमिली को कई गुना आगे बढ़ा सकते हैं. ये सारे रीज़न भी सोचिए. और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, कल परसों बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे थे, उनका प्री का पेपर था, तो मैक्सिमम बच्चे यही बोल रहे थे कि सर डर लग रहा है. मेरा ये मानना है कि ये जो डर है ना, ये डर एग्ज़ाम के 10 दिन पहले नहीं आना चाहिए, ये डर दैट टाइम ही आ जाना चाहिए जिस समय आपने डिसीजन लिया कि आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है. बिकॉज आप प्राइवेट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी छोड़कर आप इस फील्ड में आए हैं, तो ये डर होना चाहिए हमेशा. और ये डर ऐसा होना चाहिए कि आपको रात में नींद भी ना आए. फ्यूचर में क्या होना है, क्या क्या आप कर सकते हैं अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो डर जो है ना, ये डर हमसे अच्छा बेस्ट हमसे करवाती है. अब जितने लड़के हैं, लड़कों की पढ़ाई में जानता हूं कि लास्ट डे एग्जाम से पहले आप पढ़ते हो अपने ग्रेजुएशन में और जो भी करते हो पीजीवीजी, तो आप एक दिन में पढ़ के अगर पास हो सकते हो तो आप मतलब साल भर पढ़ोगे तो पता नहीं क्या कर दोगे आप. तो ये भी समझना चाहिए आपको. चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले स्लाइड के साथ, और क्या क्या आपको पढ़ना है आज हम उसकी बात यहाँ पे कर लें. देखिए तो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर आ गई है, जहाँ पर आपको बिजनेस इकॉनमी, नेशनल अफेयर्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, डेज इवेंट, डिफेंस एक्सरसाइज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ऑबिट्री एंड बुक्स एंड ऑथर की पढ़ाई कराई जाएगी. तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले स्लाइड के साथ, और पहला स्लाइड यहाँ पर आ चुका है जो बिजनेस और इकॉनमी को लेकर होगा. और बात कर रहे हैं सेबी की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो सेबी ने एक बात बोली है कि जो ये स्टार्टअप हैं, जो हमारे देश में स्टार्टअप कल्चर बढ़ता जा रहा है, हम उसको देखो, कोई भी कंपनी होती है तो वो मार्केट से पैसा कैसे उठाती है, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो उधार ले ले और या तो वो पार्टनरशिप कर ले. पार्टनरशिप का मतलब वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होकर अपने शेयर बेच सके. तो सेबी ने स्टार्टअप कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्टेड होने के लिए अपने जो नॉर्म्स हैं उसको थोड़ा रिलैक्स कर दिया है. हालांकि एक बात और भी है कि सेबी ने जो नॉर्म्स रिलैक्स किए हैं उसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन सेबी ने बोला है कि इसके करने से स्टार्टअप कंपनीज आराम से शेयर मार्केट में अपने आप को लिस्टेड कर पाएंगी और अपने शेयर बेचकर पार्टनरशिप के फॉर्म में पैसा उठा सकती है मार्केट से. तो कंप्यूटर जी आगे बढ़िए और दिखाइए, यहां पर देखिए इंफॉर्मेशन मैंने आपको समझा दी है कि सेबी क्या करने जा रहा है, कैसी स्टार्टअप उसकी बात कर लें. तो लाइक ई कॉमर्स, डेटा एनालिटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो इन स्टार्टअप को थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी सेबी के हिसाब से, और कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड कंप्यूटर जी आए, देखिए तो नेक्स्ट स्लाइड पर आपको यहाँ पर एक बात बस ये समझनी है, जो आपको पीले कलर से यहाँ पे आपको बोल्ड दिख रहा है कि इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म. तो मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, जहाँ से ये कंपनी लिस्टेड होकर अपने शेयर बेच सकती हैं. वैसे एग्जाम में इतने डीप में अभी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको कॉन्सेप्ट केवल समझना है. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की. तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में आपको कई बार इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, देखिए आगे बढ़िए कंप्यूटर जी. और इसका एस्टैब्लिशमेंट ये 1988 में बन गया था, लेकिन सेबी को पावर मिली है 1992 में. तो यहाँ पर आपको वही दिखाई दे रहा है, हेडक्वार्टर मुंबई है, चेयरमैन अजय त्यागी हैं, और ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसका अपना खुद का कानून है, सेबी एक्ट 1992. चलिए आगे बढ़ते हैं, और शेयर मार्केट का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म आपसे डिस्कस करते हैं, जो एग्जाम में अक्सर आता है और जो बच्चे समझना चाहते हैं बट शायद समझ नहीं पाते. आपको शेयर मार्केट में दो वर्ड सुनने को मिलते हैं, एक बुल मार्केट और एक बियर मार्केट. तो बात समझिएगा, अगर हमारा शेयर मार्केट अप जा रहा है, हमारी कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, बुल. मतलब बुल का मतलब क्या होगा, आप देखते होंगे बुल के अंदर अग्रेशन होता है,
बियर मतलब लेजी, मतलब मार्केट हमारा डाउन जा रहा है, मार्केट डाउन जा रहा है, डाउन जाएगा मतलब कंपनीज को लॉस हो रहा है, इससे जॉब अफेक्ट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो बुल का मतलब मार्केट का स्ट्रांग होना, बियर का मतलब मार्केट का गिरना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रघुराम जी राजन सॉरी अभी उर्जित पटेल जी ने रिजाइन दे दिया ना, देखना हमारा शेयर मार्केट गिरेगा, गिरना ही गिरना है। तो कहने का मतलब क्या, और जो इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे अगर बीजेपी गवर्नमेंट हारी तो हमारा शेयर मार्केट गिरना ही गिरना है। ये सब कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिएगा। मैं यहीं पर आपको मिलूंगा कल नेक्स्ट 7:30 बजे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझसे बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की। दूसरा यहाँ पर पॉइंट हमारा क्या है, बिजनेस इकॉनमी का। अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, इसीलिए चाइना का मैप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो AIIB क्लियर्ड $400 मिलियन लोन फॉर आंध्र प्रदेश। तो AIIB आंध्र प्रदेश को $400 मिलियन का लोन दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर दो, विनय बोल रहे हैं बैकग्राउंड चेंज कर दो, बैकग्राउंड तो बहुत बढ़िया है यार, क्या दिक्कत है बैकग्राउंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को $400 मिलियन का लोन दे रहा है फॉर वाटर सैनिटेशन प्रोजेक्ट। तो वाटर सैनिटेशन मतलब कि पानी की साफ सफाई की व्यवस्था के लिए ये $400 मिलियन लोन दे रहा है, जिससे कि वहाँ पर जो बीमारी है, क्योंकि आपको पता है कि सारी बीमारी पेट से होती है और पानी से ही सारी बीमारी पैदा होती हैं, तो वहाँ पर बीमारियों को लगाम लगाई जाएगी, वहाँ की महिलाओं की जो हेल्थ है वो कम वो अच्छी हो जाएगी, जो रिस्क है हेल्थ पर वो कम हो जाएगा। तो आपको बस याद रखना है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हेडक्वार्टर बीजिंग, ये आंध्र प्रदेश को $400 मिलियन का लोन दे रहा है फॉर वाटर सैनिटेशन प्रोजेक्ट। कंप्यूटर जी आगे बढ़े, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में यहां पर कंप्यूटर जी आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये लोन देने के लिए बना है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। आगे बढ़िए जरा, मेंबर कंट्री यहां पर 87 है और प्रेसिडेंट है जिन लुकिन, तो ये आपको याद करना है, हेडक्वार्टर तो बहुत जरूरी है याद करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको आंध्र प्रदेश के बारे में देंगे, आंध्र प्रदेश के बारे में क्या क्या स्टैटिक पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्टेट फ्लावर, स्टेट एनिमल, स्टेट लैंग्वेज, नेशनल पार्क, मेजर रिवर, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, आप आराम से बैठकर इसे पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बार बिजनेस और इकॉनमी की। देखिए लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, जितने लोग इंडिया से बाहर रहते हैं वो अपने अपने घरों में पैसा भेजते हैं। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया बाहर देशों से पैसा पाने वाला सबसे पहले नंबर का देश होगा, मतलब जितने लोग पैसा अपने घरों भेज रहे हैं उसमें इंडिया नंबर एक पर रहेगा। लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, तो इंडियंस बाहर जाते हैं, इंडियन कंपनीज बाहर जाती हैं, वहां पे पैसे अर्न करती हैं और पैसे अर्न करके अपने देश में भेजती हैं, तो इंडिया नंबर एक पर है, चाइना नंबर टू पे है लास्ट ईयर भी और इस साल भी। तो आइए देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां पर इंपॉर्टेंट हो सकती है। गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग, सब लोग टाइम पर आया करिए। और बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, इंडिया विल रिटेन इट्स पोजीशन एज द वर्ल्ड टॉप रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस। और इंडिया रिसीव्ड $80 बिलियन एज रेमिटेंस फ्रॉम इट्स डिस्पोरा, मतलब इंडिया को $80 बिलियन मिलेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये शो करता है कि हमारे इंडियंस, हम इंडियंस की इनकम बढ़ रही है और हम इंडियंस बाहर के देशों में जाकर वहां पर अपने झंडे गाड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चाइना दूसरे नंबर पे होगा, मैक्सिको तीसरे पे और फिलीपींस चौथे नंबर पर होगा। तो ये भी इंफॉर्मेशन देख लीजिए, वैसे दूसरा तीसरा ही इंपॉर्टेंट होता है, तो चाइना और मैक्सिको आपको लर्न करना है। कंप्यूटर जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेशनल अफेयर्स में आपको दिखाते हैं कि इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम टू बी ओपन्ड। तो इंडिया का पहला अंतर्जलीय संग्रहालय खोला जाएगा, कहां पे खोला जाएगा, तो पोर्ट ब्लेयर में खोला जाएगा। कंप्यूटर जी ने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, जल्दी से यहां पर आइए और आकर धमाल मचाइए। आज बड़े खेत का विषय है कि एमसीक्यूज नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज होने भी नहीं थे, कल से आपको एमसीक्यूज कराए जाएंगे जो आज आपने पढ़ा है। देखिए यहां पर, तो इंडिया इज सेट टू बी फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम ऑफ द पौंडीचेरी कोस्ट। आपने देखिए पौंडीचेरी कोस्ट पे ये होगा। अच्छा, एक हमारा माइंस वेपर है, माइंस वेपर का मतलब कि जो पानी वानी में माइंस वाइंस होते हैं उनको ढूंढने के लिए एक शिप होती है, इसका नाम था INS कुड्डालोर। तो INS कुड्डालोर को इसकी सेवाओं से हटा दिया गया है और यहीं पर क्या बनेगा, म्यूजियम बनेगा, मतलब इसको पानी के अंदर डिबोया जाएगा और यहाँ पर म्यूजियम प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है, पौंडीचेरी। जी हाँ, पौंडीचेरी। तो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं, ये जो माइंसवेयर है इसे पौंडीचेरी तट से 7 किलोमीटर दूर तैनात किया जाएगा, एक ऐसी जगह जो कि स्कूबा डाइविंग के लिए फेमस है, वहां पर ये म्यूजियम बनाया जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। आगे बढ़ते हैं, एक बात और है,
अगर आप हमारा करंट अफेयर्स बहुत ध्यान से देखते हैं और इसके स्टैटिक पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखते हैं, तो एक साल के अंदर तो आपको पूरी स्टैटिक पॉइंट कंप्लीट करा दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट म्यूजियम भी हमने आपको दी है। कॉमन मैन एमसीक्यूज कल होंगे, आरआईपी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, सलर जंग म्यूजियम ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया, कई बार पूछा गया, ये कहां पर है? हैदराबाद में। द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई, नेशनल रेल म्यूजियम दिल्ली, कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल अहमदाबाद और शंकर्स इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम दिल्ली। तो सारे म्यूजियम आपको हमने करा दिए गाइस, और ये आपका जो सलर जंग म्यूजियम हैदराबाद वाला है वो आपके एग्जाम में आया है, कई बार आया, मैंने देखा एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पुडुचेरी की। तो पुडुचेरी के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्यूटर जी आपको यहां पर दे रहे हैं। हु इज चीफ मिनिस्टर, हु इज गवर्नर, कैपिटल, स्टेट लैंग्वेज, नेशनल पार्क्स कौन से हैं, हेरिटेज साइट कौन सी हैं, स्टेट बर्ड, मेजर सिटीज एंड नोन फॉर एस, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है जिसे आपको पढ़ लेना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइज। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट नेशनल अफेयर्स की। केरला एक पूरे इंडिया में ऐसा स्टेट बन गया है जहां पर चार चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब होंगे, चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया गया है, कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया गया है। तो पहले से यहां पर कौन कौन से एयरपोर्ट थे, देखिए पहले से यहां पर तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कोझिकोड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यह चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। तो कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट है कि वो आगे बढ़े और बच्चों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहां पर दिखाएं। देखिए तो कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन केरला वॉज इनॉग्रेटेड, और क्या बताया गया है कि यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फॉर्म में बनेगा, मतलब कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और बना रही है कौन, प्राइवेट इंडस्ट्रीज बना रही है, ठीक है। आगे देखिए यहां पर, और कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनते ही केरला में, केरला पूरे देश का पहला स्टेट होगा जहां पर चार चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, ठीक है। और तीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कौन से पहले हैं उसकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर जी ने यहां पर दी हुई है, तिरुवनंतपुरम, कोची एंड कोझिकोड़े, और चौथा कन्नूर बन गया, ठीक है। अच्छी बात क्या है कि इसमें से तीन के से शुरू होते हैं, तीन के से शुरू होते हैं, कोची, कोझिकोड़े और अब कन्नूर। तिरुवनंतपुरम वहां की कैपिटल है तो वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगी ही, ये आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए विवेक जी, हाँ बिल्कुल, ये स्लाइड मैं खुद से प्रिपेयर करता हूँ, थोड़ा सा इसलिए टाइम लग जाता है, तो हाँ क्या है, ये अपना ही तो काम है। अब केरला की बात कर ले तो केरला के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कैपिटल, स्टेट लैंग्वेज, स्टेट एनिमल, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हमने यहाँ पर दी हुई है। मेजर रिवर, नेशनल पार्क्स देख लीजिए, नेशनल पार्क्स का ट्रिक मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है केरला के, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। और भूलिएगा नहीं, आज शाम को 5 बजे IBPS क्लर्क मेंस का प्रीवियस ईयर का पेपर हम कराने वाले हैं, तो शाम को 5 बजे भी आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेंगलुरु एयरपोर्ट फेशियल रिकॉग्निशन के लिए है, ये हम लोग डीजी यात्रा कई बार कर चुके हैं। देखिए अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं जो थोड़ी सी यूनिक है और आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर है लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड इन केरला। रामसर एक जगह है अफगानिस्तान पे, एक बार कॉन्फ्रेंस हुई थी कि ऐसी जगह जहां पर फ्रेश वाटर हो या फिर रुका हुआ पानी हो, मतलब जहां पर पानी है, जैसे नहीं लेक आप जानते हैं लेक, तो उसको कंजर्वेशन करने का बहुत महत्व है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रामसर वेटलैंड बोलते हैं। ये एक इंटरनेशनल टर्म है, इसे आपको समझना पड़ेगा। और केरला में कौन कौन से फेमस रामसर वेटलैंड हैं ये आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो ये स्लाइड डाउनलोड करने के बाद आप इसे आराम से पढ़ सकते हो। तो देखिए आपने सुना होगा अस्थामुडी लेक है केरला में, उसके बाद सस्था मुकुट्टा लेक है, और लास्ट में देखिए वेम्बनाड लेक है, तो ये सब केरला में है। और क्या क्या इनका लोकेशन है केरला और किस लिए फेमस है ये भी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, थोड़ी सी यूनिक इन्फॉर्मेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, देखिए तो अगस्त में यहां पर एक बिल पास हुआ था जहां पे अरुणाचल प्रदेश में तीन नए सिटी बनने वाले थे, तीन नए सिटी, एक का नाम था शियोमी, एक का नाम था लेपाराडा और एक का नाम था पक्के केसंग। तो शियोमी को अरुणाचल प्रदेश का 23वां जिला घोषित कर दिया गया है, मतलब अभी 24 और 25 और बनेंगे। तो अभी के लिए इंफॉर्मेशन 23rd नंबर के सिटी की यहां पर आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर देखिए शियोमी की बात करें तो शियोमी हैज बिकम द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये तो आपको मालूम चल गया। इसके बाद देखें ये नया जिला पश्चिम सियांग जिले से बना है, वेस्ट सियांग एक डिस्ट्रिक्ट था उससे टूटकर ये नया शहर बना है शियोमी, ठीक। अभी दो और बनने वाले हैं जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने इमेज में आपको दी हुई थी, ठीक है। देखिए आगे बढ़िए, ऑन 29 अगस्त द अरुणाचल प्रदेश असेंबली पास्ड अ बिल फॉर द क्रिएशन ऑफ दीज न्यू डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पर उनके नाम दिए गए हैं पक्के केसांग, लेपारादा और शियोमी।
तो 24-25वां बनना बाकी है, ध्यान देना इस चीज को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ स्टडिक पॉइंट आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। नेशनल पार्क वाक कई बार हम लोग बात कर चुके हैं इसकी, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैपिटल, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेट बर्ड, मेजर सिटीज, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बड़े डीप में यहाँ पर देते हैं, जिसके स्टैटिक से आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेशनल अफेयर्स की बात फिर से यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर गवर्नमेंट नोटिफाई मेडिकल डिवाइस एज ड्रग, देखिए ड्रग का मतलब क्या होता है, हर वो चीज़ जो आपके हेल्थ के लिए फायदेमंद होती है, जो कि आपकी बीमारियों को दूर करती है। और कोई भी चीज़ अगर ड्रग कैटेगरी में आती है तो गवर्नमेंट उसे अपने हिसाब से उस पर अपने नॉर्म्स बना सकती है। तो अभी जो आपके ये कुछ डिवाइसेस थे, जैसे कि नेबुलाइजर हो गया, ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स हो गया, डिजिटल थर्मामीटर हो गया, ये सब ड्रग में नहीं आते थे, तो ये प्राइवेट कंपनीज इसे अपने हिसाब से बनाती थी। तो गवर्नमेंट ने अब ये तय किया है कि इनको भी ड्रग की कैटेगरी में लाना होगा, ताकि गवर्नमेंट अपने नॉर्म्स इनके हिसाब से चला सके। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करती है, मैं खुद मेडिकल फील्ड से था, मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग मेडिकल फील्ड से की थी। अगर गवर्नमेंट इनके लिए नॉर्म सेट ना करे ना, तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबको जरूरत पड़ती है मेडिसिन की एज वेल एज इन डिवाइसेस की, तो ये प्राइवेट कंपनी ना हमको पूरा लूट लें। गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से, गवर्नमेंट के इंटरफेयर से ही आपको इतनी सस्ती मेडिसिन मिलती है। मैं खुद मेडिकल सेक्टर से था और मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। पता है आप लोग जो मेडिसिन खाते हैं ना, मतलब एक मेडिसिन की बात करूं तो उसका नाम है सिफोडॉक्सिम, वो 1200 रुपए का डिब्बा बिकता है, पूरा पैक 10 टैबलेट का, और वो हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग पड़ता है 120 रुपए का। इतना मार्जिन है मेडिसिन में, बहुत ज़्यादा मार्जिन है। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना बहुत ज़रूरी है। कमेटी जाके पढ़े देखिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि अब ये नेबुलाइजर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, डिजिटल थर्मामीटर एंड ग्लूकोमीटर, ये सब ड्रग की कैटेगरी में आ जाएंगे, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने नॉर्म्स बना सकती है। आगे बढ़िए जरा, देखिए यही बोला गया है कि इट विल एनेबल द गवर्नमेंट टू इंश्योर देयर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा नीचे देखिए, द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया विल रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ दीज डिवाइस फ्रॉम जनवरी, यानी 2020, यानी 2020 से ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है इन उपकरणों के आयात, निर्यात और निर्माण को नियंत्रित करेगा। तो 2020 से ये सब कुछ इनके अंडर में आ जाएगा, ठीक है। तभी तो, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिंबॉलिक जी, आप इसके क्लास के बाद ही बात कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे देश में हर तरह के ड्रग पर अपना नियंत्रण रखता है। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसके लिए मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है जेपी नड्डा, और पेरेंट डिपार्टमेंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ रही है। और अभी करेंट DCGI है डॉक्टर एस इशवारा रेड्डी, बिल्कुल लास्ट पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर, डॉक्टर एस इशवारा रेड्डी, जो आपके काम की चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अवार्ड एंड ऑनर की, और यहाँ पर प्रमथेश वॉन मिस्टर सुप्रानेशनल 2018 अवार्ड, ये मिस्टर इंडिया भी हैं, इनका नाम देख लीजिए यहाँ पर, आपको पता ही होगा प्रमथेश के बारे में इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। तो कंप्यूटर जी आगे बढ़ें जरा और बच्चों को दिखाएं। मुंबई में ठंड थोड़ी सी आज मॉर्निंग में है, उतनी ज़्यादा नहीं है। तो गोवा के प्रमथेश मौलिंगकर ने मिस्टर सुप्रा नेशनल 2018 का खिताब जीत लिया है, और ये कहाँ पर हुआ, तो ये इवेंट पोलैंड में हुआ। अच्छा, मिस्टर सुप्रानेशनल पोलैंड को रनरअप घोषित किया गया है और मिस्टर सुप्रानेशनल ब्राज़ील को दूसरे रनरअप के रूप में घोषित किया गया है। तो आपको यहाँ पर नाम बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने एक्स्ट्रा पॉइंट की। तो 2017 की मिस वर्ल्ड कौन थी, मानुषी छिल्लर, और 2018 की मिस वर्ल्ड कौन बन गई है, तो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आगे हम देने भी वाले हैं, ठीक है। और मिस यूनिवर्स 18-17 की बात करें तो साउथ अफ्रीका की डेमी लिंग नेल पीटर्स थी, और मिस यूनिवर्स 18 अभी होना बाकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ गोवा के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दे दें यहाँ पर। तो गोवा के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कैपिटल, स्टेट लैंग्वेज, सब कुछ यहाँ पर है। गोवा का जो डांस है, गोवा का डांस अगर आपको पता है तो बड़ी अच्छी बात है। कोई मुझे क्या बता सकता है कि गोवा का कौन सा डांस फेमस है? इसे हम बोलते हैं मंडो। मंडो गोवा का बड़ा एक फोक डांस है और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अवार्ड एंड ऑनर की बात यहां पर हम करेंगे आपसे। देखिए यहां पर इमरान वॉन द सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड, तो इमरान ने अभ्यारण वन्यजीव सेवा पुरस्कार जीता। इमरान, तो ये इमरान कौन है, आगे देखते हैं आगे।
तो इमरान की बात करें तो कंजर्वेटिस्ट इमरान सिद्दीकी हैज बीन ऑनर्ड विथ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड 2018. तो इनको ये अवार्ड मिला है. ही इज द असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर कंजर्वेशन साइंस एंड एट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया दैट मॉनिटर टाइगर्स. तो बेसिकली इनका काम टाइगर्स को लेकर है, टाइगर्स का डेवलपमेंट, टाइगर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सब देखने का इनका काम है. चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. 18 बायोस्फीयर है हमारे देश में, जिसमें से 5 जो इंपॉर्टेंट हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर हम दे रहे हैं. नीलगिरी बायोस्फीयर, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नोक्रेक और सुंदरबन बायोस्फीयर. ये 5 बायोस्फीयर एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं. हमने पूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इनके बारे में दी है, इनका लोकेशन, इनका स्टेट, टाइप, की फोना, ये सब कुछ आपको हमने इंफॉर्मेशन दी है, आप इसे देख सकते हैं. ठीक है, चलिए बढ़िया, अच्छी बात है. यहाँ पर जूम की बात कर रहे हैं बच्चे लोग, तो आप लोग पीडीएफ में देखिएगा, आपको दिख जाएगा आराम से. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. तो ये 18 बायोस्फीयर कहाँ कहाँ पे हैं, तो ये मैप के थ्रू आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पर देख लीजिए, तो सबके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आप मैप में देख लीजिएगा, हर चीज़ यहाँ पर दी गई है. ठीक है, चलिए, SSC क्वेश्चन है ये. ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिस वर्ल्ड की. और यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है वेनेसा लियोन ने मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब जीता है. अच्छी बात है, यहाँ पर देख लीजिए. और इंडिया का कोई अता पता इसमें नहीं था, टॉप 5 में इंडिया नहीं आई थी. तो फिर से इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर जी आगे बढ़े ज़रा, देखिए. तो मैक्सिको की है, मैक्सिको की वेनेसा पोन्स डी लियोन जो है ये मिस वर्ल्ड का ताज जीत चुकी हैं. और अगर हम बात करें रनरअप, याद रखना रनरअप एग्जाम में आता है. एक बार की बात है, मैं रनरअप पढ़ के नहीं गया था, एग्जाम में आ गया था और बड़े अफसोस की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा था वो क्वेश्चन. तो देख लीजिए, थाईलैंड की निकोलिन पिचपा लिमसनुकन को रनरअप घोषित किया गया है. थाईलैंड की हैं, तो थाईलैंड की निकोलिन पिचपा याद कर लीजिए, थर्ड नाम याद करने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा नाम याद नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो उनको याद करना बहुत जरूरी है नाम इनका. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. मिस बेलारूस, मिस जमैका और मिस युगांडा ये 3rd, 4th, and 5th स्थान पर थी. ये पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा, केवल कौन जीता या फिर रनरअप, उससे अलावा नहीं पूछा जाता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़े और बात करते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की. मैक्सिको के बारे में इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, तो मैक्सिको की कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी है. इनके प्रेसिडेंट कौन है, तो अभी इन्होंने चुनाव जीता है, आपको मालूम ही याद भी होगा. और करेंसी क्या है, पेसो है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. डिफेंस एक्सरसाइज की बात कर ले यहाँ पर, तो IAF इंडियन एयरफोर्स द्वारा क्रॉसबो 18 अभ्यास आयोजित. ये क्रॉसबो 18 क्या है तो समझिएगा, तो जो हमारे देश के मिसाइल्स हैं वो कैसे काम कर सकते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए ये क्रॉसबो 18 डिफेंस एक्सरसाइज कराई किसने, इंडियन एयरफोर्स ने. तो कहाँ पर कराई, क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए यहाँ पर, देखिए, तो इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड द एक्सरसाइज कोड नेम क्रॉसबो 18 एट द एयरफोर्स स्टेशन एट आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है श्रीलंका, वहां पर ये एक्सरसाइज हुई. तो क्रॉसबो कहां पर हुई ये आपको याद रखना जरूरी है, आंध्र प्रदेश में, श्रीलंका में. और ये क्या चीज है देखिए, तो देखो, इन द एक्सरसाइज द इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्टेड द फायरिंग ऑफ 4 डिफरेंट क्लास ऑफ मिसाइल लाइक आकाश, स्पाइडर, OSA, AKM एंड IGLA. तो इन मिसाइल का एक साथ परीक्षण किया गया इस एक्सरसाइज में. चलिए, तो आगे नेक्स्ट जो स्लाइड हमारी है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा. आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर कंप्यूटर जी ने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, लिस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस बाई इंडियन एयरफोर्स इन 2018. तो गगन शक्ति, पिचबैक, एलंग शक्ति और एविया इंदिरा, तो ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, कहां कहां पर ये हो रहा है, सारी इंफॉर्मेशन दी गई है यहां पर. तो इसको आराम से पढ़िएगा, आपके एग्जाम में एक नंबर का तो क्वेश्चन आना ही आना है. इसके बाद देखिए और भी कुछ डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं जो आपको हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. कंप्यूटर जी आगे बढ़े जरा, देखिए, इस्बामार, मालाबार, मिलान, सिम्बैक्स, लाइनेक्स और वरुणा, तो ये भी है. और मेरा डिफेंस एक्सरसाइज का अलग से वीडियो भी यूट्यूब पे है, आप उसको भी देख सकते हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए. एक नंबर तो पक्का करेगा ये सारा स्लाइड, इतना समझ लीजिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इंद्रा नेवी 2018 कमेंस्ड. तो इंद्र नौसेना 2018 अभ्यास शुरू हो गया. इंद्र एक ऐसा एक्सरसाइज है जो इंडिया और रशिया के बीच में होता है, और ये आर्मी का अलग, नेवी का अलग और एयरफोर्स का अलग अलग होता है. तो नेवी का भी स्टार्ट हो चुका है, आइए उसकी इंफॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे दे दें. देखिए,
इंदिरा नेवी 2018 जो है ये शुरू हो चुका है इंडियन नेवी और रशियन फेडरेशन नेवी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखो, द एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड एट विशाखापट्टनम, तो ये एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में हो रही है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। और इंदिरा नेवी को 2003 से शुरू किया गया था पूरे हमारे उनके देश में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, और बात करते हैं क्या, एविया इंदिरा 2018 कमेंस्ड ऑन 10 दिसंबर, जिसकी हम बात कर रहे थे, ये एयरफोर्स की बात है। तो एविया इंदिरा जो है ये भी शुरू हो चुका है 10 दिसंबर से, और ये कब तक चलेगा आपको इसकी इंफॉर्मेशन है। देखिए ये कहां पर हो रहा है ये जानना आपको जरूरी है। तो इंडियन एयरफोर्स एंड रशियन फेडरेशन एयरफोर्स विल होल्ड एक्सरसाइज एविया इंदिरा 2018 एट जोधपुर फ्रॉम 10 to 21 दिसंबर, तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए ये एक्सरसाइज फोकस की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको यहां पर कंप्यूटर जी दे रहे हैं एयरफोर्स के बारे में। तो 1932 में इसे फाउंड किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसका मोटो है टच द स्काई विथ ग्लोरी। एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट होता है, तो 8 अक्टूबर को होता है, और चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, तो यहां पे बीरेंद्र सिंह धनोआ है, ये भी आपको याद रखना है, बीरेंद्र सिंह धनोआ का नाम याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 दिसंबर को यहाँ पर हमारे पूरे वर्ल्ड में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे इसको याद करें, तो चलो एक ट्रिक बताते हैं। मैंने कैसे से याद किया था, मेरा एक फ्रेंड था हॉस्टल में, और वो था सरदार, और सरदार था वास्तव, वो सरदार नहीं, वो असरदार भी था। मतलब कि कैंटीन में जो फैंस हैं उसे फूल बना देना खींच कर, वार्डन का गेट लॉक कर देना, तोड़ फोड़ करना। तो मेरे ख्याल से मैंने जितना उसको मानवाधिकार का हनन करते देखा किसी को नहीं देखा। तो उसका बर्थडे भी 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो मैंने इस तरह से लर्न कर लिया है कि अच्छा ठीक है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं इसे, आपके ट्रिक्स होती हैं याद करने की। तो यहां पर बस आपको थीम अब देखनी है कि ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है, और इस बार की थीम क्या है, स्टैंड अप फॉर द ह्यूमन राइट। कंप्यूटर जी आगे बढ़े, सो गए हैं कंप्यूटर, लग रहा है कंप्यूटर जी क्या करें, परेशान रहते हैं बेचारे। तो ह्यूमन राइट डे की बात कर रहे हैं, 10 दिसंबर को ये सेलिब्रेट होता है, और स्टैंड अप फॉर द ह्यूमन राइट इसकी थीम है, ये भी आप यहां पर देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको दिसंबर के डेज में करा चुका हूं, दो बार करा चुका हूं, और आज जनवरी के डेज में करा दे रहा हूं आपको, ताकि जनवरी के डेज आप याद कर लीजिए, और आज ही याद कर लीजिएगा कौन कौन से डेज हैं, 4 जनवरी 9 जनवरी 10 जनवरी 12 जनवरी। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रवासी दिवस, जो कि 9 जनवरी को सेलिब्रेट होता है, और 2019 का ये वाराणसी में सेलिब्रेट होगा, भूलना नहीं, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं हम लोग किसकी, हाँ ठीक है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का सम्मेलन हो गया, और ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ, मोहाली में हुआ, ये याद रखना जरूरी है। तो कंप्यूटर जी आगे बढ़े, द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मोहाली, तो मोहाली आपको याद रखना है, और द कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहाँ पर हुआ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़े कंप्यूटर जी, देखिए इसके बाद बढ़ जाए स्लाइड, हाँ तो यहाँ पर एक स्लाइड आ रही है, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड जो हमारा ये यूएन है, यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और ये आप कई बार सुनते होंगे। तो कौन कौन से गोल्स हैं, यहाँ पर हमने इमेज में आपको दिखाया हुआ है, टोटल 17 गोल्स हैं हमारे यूएन के, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है। तो आप चाहें तो इसका एक नोट्स बना लेंगे कि कौन कौन से सस्टेनेबल गोल्स हैं जहाँ पर डेवलपमेंट की बात करता है यूएन, और ये कई बार आपके सामने आता है और आप इसे मिस कर देते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और खेलो इंडिया गेम्स की बात करते हैं। आपको पता है कि पहला एडिशन जो हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था, और दूसरा एडिशन खेलो इंडिया का पुणे में होने वाला है, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो सेकंड एडिशन, आगे बढ़े कंप्यूटर जी, सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स विल बी हेल्ड इन पुणे, ये पुणे में होने वाला है, और स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज विल ऑल्सो बी अलाउड टू कम्पीट इन द गेम्स। टेनिस और टेबल टेनिस को इस बार ऐड किया गया है 2019 में होने वाले खेलो इंडिया गेम्स में। अब अगर बात करें हम लोग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड कंप्यूटर जी, तो पहला एडिशन दिल्ली में हुआ था, ये इंफॉर्मेशन आपको है, और अगर बात करें खेलो इंडिया गेम्स किसके अंडर में आता है, कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स,
ये भी आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिन बच्चों के एग्जाम हैं। तो सबसे बड़ा इवेंट जो अभी हाल में हुआ वो एशियन गेम्स हुआ, और एशियन गेम्स में कौन कौन से प्लेयर ने किस किस स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीता, हम उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहे हैं। तो बजरंग पुनिया से लेकर विनेश फोगाट, रोहन बोपन्ना, दिवजी शरण, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। तो इस स्लाइड को अलग से नोट्स बनाने की जरूरत है आपको, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, आप कोई भी एग्जाम दो, कि कौन सा खिलाड़ी किस गेम से बिलोंग करता है। तो यानी कि आपको ये लिस्ट फायदा पहुंचाएगी कि कौन सा खिलाड़ी किस गेम से बिलोंग करता है। आप कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे बैंकिंग का, चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे का, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाता ही है। कंप्यूटर आगे बढ़े, देखिए, और यहां पर सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है एशियन गेम्स के। कुछ दिन बाद आपको हम कॉमनवेल्थ गेम्स का, फिर आईपीएल की सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे देते रहेंगे, ताकि आप वो सारे सेक्शन भी कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और अब हम बात करते हैं आर्ट और कल्चर की, और यहां पर हम बात कर रहे हैं निषिधि स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड। ये निषिधि शिलालेख क्या होता है, हम उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दे दें। देखिए, जो निषिधि स्टोन होता है, ये कैसे बनता है, क्या बनता है, तो मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देना चाह रहा हूँ। ये जो जैन तपस्वी होते हैं, जैन मुनि होते हैं, तो इनमें एक चीज़ क्या होती है, साले खाना का मतलब होता है कि बिना खाए पिए ये अपनी जान दे देते हैं, अपनी मृत्यु दे देते, मतलब मृत्यु इनकी हो जाती है। तो जो जैन मुनि ये करते हैं, तो उनको सम्मानित करने के लिए ये शिलालेख दिए जाते थे जिनका नाम निषिधि है। तो आइए देखते हैं क्या क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पढ़नी है। देखिए, कर्नाटक के हारकेरे गांव में नंदी बसेश्वर मंदिर में 12th सेंचुरी का निषिधि पत्थर शिलालेख पाया गया, और ये किसको मिलता है, मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आर सिजेश्वर सहायक निदेशक हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, हेरिटेज एंड म्यूजियम, एंड जगदीश जो है एक इतिहासकार हैं, इन्होंने इस गांव में शिलालेख खोजी है। ठीक है, आगे बढ़े कंप्यूटर जी। तो जो निषिधि स्टोन होता है, ये जैन मुनि को दिया जाता है जो साले खाना व्रत करते हैं, और साले खाना व्रत का मतलब होता है बिना खाए पिए अपनी जान देना, तो उनको सम्मानित करने के लिए ये शिलालेख दिए जाते हैं। चलिए, 12th सेंचुरी का मिला है, ये जरूरी है। तरुण सागर जी को भी याद कर रहे हैं आप लोग, चलिए अच्छी बात है। आगे बढ़े कंप्यूटर जी, ये आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहां पर ऑबिट्री की बात कर रहे हैं। तो हिस्टोरियन मुशीरल हसन का निधन हो गया, इतिहासकार मुशीरल हसन का निधन हो गया है, ये इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। जरा आगे बढ़िए कंप्यूटर जी। देखिए, तो प्रसिद्ध इतिहासकार, इनका नाम है मुशीरल हसन, पास्ड अवे ऑन 10 दिसंबर। इसके बाद क्या है, तो ही हैज़ एक्सटेंसिवली रिटन बुक ऑन इंडियाज पार्टीशन, इन्होंने बुक लिखी है। ही वॉज द वाइस चांसलर ऑफ द जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये वाइस चांसलर भी थे। चलिए, तो इस बार के लिस्ट ऑफ ऑबिट्रीज इन द मंथ ऑफ नवंबर 2018 की हम बात कर लें, आगे बढ़े कंप्यूटर जी, और दिसंबर की बात तो हम करेंगे ही आपसे। ठीक है, देखिए, तो किसकी किसकी मृत्यु हुई है, जो फेमस पर्सनालिटी है नवंबर में, ध्यान से देख लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो देख लीजिए पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। अनंत कुमार की बात करें, ललन सरंग की बात करें, विनोद अग्रवाल, केपीएस श्रीवास्तव, वी रथियान की बात करें, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, इसे भी आप याद कर लेंगे तो नवंबर की ऑबिट्रीज आपकी पूरी हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीएन श्रीनिवास हैं, एसएन फुलकन हैं, और रोशन लाल सेठी जी हैं, सब इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, एक बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। हालांकि ये बुक मैं आपको करा चुका हूँ, और थोड़ी सी ये पुरानी न्यूज़ है, लेकिन आपको इसके बाद वाली स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। कंप्यूटर जी आगे बढ़े ज़रा। तो आपको पता है कि जो हमारे देश के चीफ इकोनॉमिस्ट थे अरविंद सुब्रमण्यम, तो इन्होंने एक बुक लिखी है, द चैलेंज ऑफ द मोदी जेटली इकॉनमी, ये आपको पता है, ये मैं करा भी चुका हूँ बुक्स ऑथर में। देखिए, तो 2014 से लेकर 2018 तक की जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ है उसके लिए ये बुक आई है। इसके बाद वाली स्लाइड थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम फिर से एक बार बुक्स की बात कर रहे हैं। तो लिस्ट ऑफ बुक रिलीज इन द मंथ ऑफ नवंबर, केवल नवंबर के मंथ में कौन कौन सी बुक रिलीज हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन। कल हमारा एक स्पेशल सेशन भी हुआ था बुक्स एंड ऑथर पर, तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा चीज़ों को कि आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट स्लाइड देखें यहाँ पर, तो इतना ही है। अच्छा ठीक है, तो इस सारी बुक हमने आपको यहाँ पर दिखा दी है। तो गाइज, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। कल आपको एमसीक्यूज भी दिए जाएंगे, आई होप कि आप एमसीक्यूज पढ़कर आएंगे और अच्छे से आंसर देंगे। मैं कोशिश करूंगा कुछ डिफरेंट एमसीक्यूज देने की आपको, ताकि आपको वो सेशन टफ लगे। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की। देखिए, ये हमेशा से रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इकोनॉमी को अपनी तरह से चलाना चाहती है और रिजर्व बैंक इकोनॉमी को अपनी तरह से चलाना चाहती है। हालांकि आरबीआई एक्ट 1934 के आने के बाद आरबीआई को ऑटोनोमस बॉडी माना जाता है। ऑटोनोमस का मतलब इसका अपना खुद का एक्ट है और ये किसी के अंडर में नहीं आएगी। लेकिन इसी आरबीआई एक्ट में सेक्शन 7 भी है और सेक्शन 7 में ये बात बोली गई है कि जिस दिन गवर्नमेंट चाहेगी गवर्नमेंट आरबीआई को अपने हिसाब से चला सकती है। तो गवर्नमेंट को देखो, अभी आपको पता है कि बेसल थर्ड नॉर्म हमारे देश में लागू होना है 2019 में और गवर्नमेंट को काफी पैसे चाहिए हमारे बैंकिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्टिन्यूअस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोल रही थी कि आप उनको पैसा दो। याद है ना कि कुछ सेक्शन 7 की बात हुई थी, गवर्नमेंट ने सरप्लस मांग लिया था, सरप्लस दो हमें। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहना यह है कि इकॉनमी में ज्यादा पैसा आने से इन्फ्लेशन हो सकता है। साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि जो 11 बैंकों पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आरबीआई ने लगाया है उसको हटा दिया जाए। देखो, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाने से बैंक लोन नहीं बांट सकता, बैंक हायरिंग नहीं कर सकता, बैंक नई ब्रांच ओपन नहीं कर सकता, तो मनी का फ्लो हमारे देश में कम हो जाता है। तो गवर्नमेंट यह भी चाहती थी कि बैंकों पर से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन हटाया जाए। बैंकों का जो एनपीए है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके लिए चिंतित था। रिजर्व बैंक ने गवर्नमेंट से बोला कि ठीक है, हम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन हटा देंगे, आप एक काम करो, आप इन बैंकों को पैसा दे दो, आप पैसा दोगे हम हटा देंगे। लेकिन गवर्नमेंट नहीं मान रही थी। तो गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में, और ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है, आप चाहें तो डी सुब्बा राव की बुक उठा के पढ़ लें जिसमें क्या लिखा हुआ है, हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट, कि एग्जैक्टली मैं अपने इंटरेस्ट रेट मूव नहीं करता हूं, मुझसे गवर्नमेंट कराती है, पूरे बुक में लिखा हुआ है, रघुराम जी राजन की बात कर ले आप। तो गवर्नमेंट और आरबीआई के गवर्नर में ऐसा चलता रहेगा क्योंकि हमारे देश में ऐसा होने ही वाला है। गवर्नमेंट का सोचना कुछ और है, गवर्नमेंट हमारे देश को फिस्कल पॉलिसी के थ्रू चलाना चाहती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स हो ना या ना हो, लेकिन एक बात तो है कि ये कंडीशन आपको आगे भी देखने को मिलेगी जो भी रिजर्व बैंक का गवर्नर होगा। हालांकि जो इतना हाई हल्ला हो रहा है, तो ऐसे भी उर्जित पटेल जी का कार्यकाल खत्म होने वाला था। आपको पता है कि कोई भी गवर्नर केवल 3 साल के लिए ही बनता है आरबीआई में, उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो गवर्नमेंट आपको 2 साल का एक्सटेंशन और देती है, तब वो 5 साल का होता है। तो उर्जित पटेल का 3 साल तो होने ही वाला था। हाँ, हालांकि उन्होंने पहले रिजाइन देकर एक बम फोड़ दिया देश में और 2019 में इलेक्शन भी होने हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे शाम को 5 बजे और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के एग्जाम की बात करेंगे, कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ जो क्वेश्चन एग्जाम में आए, उसके थ्रू हम एक ऑरा बनाएंगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, सबका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, धन्यवाद।